आराधना 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 यीशु आराधना 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 आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना आपा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना आपा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना आत्मा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना आत्मा पिता तेरी आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु
यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी तेरी आराधना, जीवन ज्योति तेरी आराधना, जीवन रोटी तेरी आराधना, जीवन ज्योति तेरी आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Changai Datta Yesu Teri Jai Jaikar Ho, Hallelujah, 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 छुटकारा दाता यीशु हमें छुटकारा दो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूषित प्रभु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शांतिदाता यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन देने वाले तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाप मिटाने वाले प्रभु महिमा तेरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रूह का मसा अब जाने दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में मेरे घर में आ जाइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकर के प्रभु मुझे चंगा कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा मुक्तिदाता, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मुक्ति देता है, हालेलुया हालेलुया। पाप क्षमा वो करता है, हालेलुया हालेलुया। छुटकारा वो देता है, हालेलुया हालेलुया। श्रापों को मिटाता है, हालेलुया हालेलुया। पापों को मिटाता है, हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा भगाता है, हालेलुया हालेलुया। प्रेम सभी से करता है, हालेलुया हालेलुया। दया से अपनी भरता है, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु तेरी महिमा होवे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूतों के संग तेरी महिमा होवे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संतों के संग तेरी महिमा होवे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हृदय की सच्चाई से तेरी महिमा करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भर कर महिमा करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे अपने दासों के साथ तू था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे भी साथ प्रभु रह जाइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया।
Alleluia, 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 Alleluia. Teri mahima hone de. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ruka masa ab chhane de. Alleluia, Alleluia, Alleluia. महिमा से तेरी प्रभु भर जाऊं मैं हालेलुया 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 Alleluia, 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 Sara bandhan khul jaye, Alleluia, Alleluia, Dushta atmaye bhag jaye, Alleluia, Alleluia, Teri basa ab chha jaye, Alleluia, Alleluia, Rogi change ho jaye, Alleluia, 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 Rogi change ho jaye, Alleluia, Alleluia, Dushta atmaye bhag jaye, Alleluia, Alleluia, Paap ka bandhan khul jaye, Alleluia, Alleluia, Nashe ke bandhan khul jaye, Alleluia, Alleluia, सौलियों के बंधन टूटे हालेलुया हालेलुया लोगों में प्रेम आ जाए हालेलुया हालेलुया क्षमा का आत्मा मिल जाए हालेलुया हालेलुया सहनशीलता की आशीषो हालेलुया 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 आदि और अंत तू है हालेलुया हालेलुया अल्फा और ओमेगा तू है हालेलुया हालेलुया स्वर्ग का राजा तू है यीशु हालेलुया हालेलुया शांति का राजा तू है यीशु हालेलुया हालेलुया प्रार्थना तू करता है हालेलुया हालेलुया मुर्दों को जिलाता है हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे करता है हालेलुया 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 दोनों हाथों को सागर स्तुति करेंगे हालेलुया 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 Hallelujah, 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 जीवित प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु की रूह का मसा हमारे घर में इस वक्त छाया हुआ है आप जहाँ कहीं भी हैं अगर आप अपने किचन में हैं या अपने घर में हैं यदि आप इस आराधना में हृदय की सच्चाई और आत्मा की सच्चाई से प्रभु की इबादत करेंगे उसका शुक्रिया अदा करेंगे आज के पूरे दिन के लिए तो वो आज की रात्रि आपको स्पर्श करेगा ही विल कम एंड ही विल डाइन विद यू वो आपके साथ आएगा और भोजन करेगा परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:12 में हमसे बताता प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा होकर द्वार खटखटाता हूँ यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं इसके घर में प्रवेश करूंगा टुडे इज द टाइम दिस इज द टाइम विच द लॉर्ड हैज मेड फॉर यू ये वो समय है जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया ताकि आप इस संध्या के समय अपने हृदय के द्वार को खोलें आप अपने घर के द्वार को खोलें जैसे यीशु कफरनहूम में गलीलिया में घूम घूम कर लोगों को चंगा करता उन पर हाथ रखता सभागृहों में लोगों को प्रचार करता वचन सुनाया करता था आज वो अपने दास के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं आपको आशीष दे रहा है इफ यू बिलीव यू रिसीव द स्पिरिट अगर आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो आज की रात्रि वो आपके साथ रहेगा
हमेशा के लिए वो रहता है। हमें ये सोचने की आवश्यकता, अनुभव करने की आवश्यकता है कि उसका सानिध्य आपके ऊपर है। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, महसूस करें कि वो प्रभु आपसे बातें कर रहा है। अगर कोई दुखी है तो इन वचनों पर मनन चिंतन करे। प्रभु का वचन कहता है, धारस रखो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, तू मेरी बातों पर ध्यान लगा, तू अपनी सोच मत लगा, मैं तो तुझे सुनाते चलूंगा। अगर तू सुनने को तैयार है, मनन चिंतन करने को तैयार है, तो मैं तो तुझे सुनाता रहूंगा, दिन रात तुझे सुनाता रहूंगा, हर पल हर क्षण मैं तुझे सुनाता रहूंगा। क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा, और मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें चुना और राष्ट्रों से अलग किया है। चलूंगा जैसे मैं
मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ, मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला विश्वास के साथ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ, मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ, मैं संभाले रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। Yes, Lord. जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा, तेरे भी चलूंगा, तेरे भी चलूंगा। प्रभु का एक एक वादा सच्चा है। आज की रात्रि वो कहता है, अगर कोई निराश है अपने जीवन में तो वो कहता है, निराश ना हो, डर मत, घबरा मत, तेरा जीना घबराए, देख मैं तेरे साथ हूं। अगर मैं मूसा की अगुवाई कर सकता हूं, उसके साथ रह सकता हूं जो मेरा चाहने वाला था, तो अब जो मेरे चाहने वाले हैं क्या मैं उनके साथ नहीं रहूंगा? देखो, मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैं अपने नाम की शपथ खाकर कहता हूं कि मेरे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द तेरे जीवन में मैं पूरा करूंगा। ये प्रभु का वादा है। कितना सुंदर समय है। राइट नाउ द स्पिरिट हैज टेकन ओवर ऑल ऑफ अस, द लॉर्ड इज हीलिंग एंड ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्रभु एक एक पर हाथ रखकर आपको ब्लेस करता है। जब आप अपने घर में स्तुति करते हैं तो आपका घर, आपका किचन, आपका पार्लर, आपकी प्रार्थना की जगह उसकी मामूरी से भर जाती है। प्रियजनों, महसूस करना, मैं दिन भर महसूस करता हूं, यह प्रांगण प्रभु का प्रांगण है, यह भवन प्रभु का भवन है, यह मंदिर प्रभु का मंदिर है, जिस पर लोग विश्वास किया करते थे। दानियल अपने घर की खिड़की को खोल देता और मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना किया करता था, जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, क्योंकि वो विश्वास करता था कि मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए लोग अपने अपने श्रद्धा आस्था के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने अपने प्रार्थना स्थान पर जाते और ईश्वर की इबादत करते हैं, और हम मसीह लोग इस वक्त प्रभु की हजूरी में, उसकी पाक पवित्र जीवित उपस्थिति में है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे, क्योंकि जब तक वो ना उतरेगा तब तक हम इस बात को महसूस ना कर पाएंगे। जानते हैं संत पौलुस क्या लिखता है? तिमोथी को संबोधित करते हुए लिखता है, कहता है, भाई तिमोथी, ईश्वर के सच्चे भक्त, ईश्वर के पुत्र, देख मैं तो एक समय ईश निंदक था,
कहता है संत पौलुस, मैं एक समय ईश निंदक था क्योंकि मैं ज्ञान से वंचित था, मेरी आंखों पर अविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं प्रभु के लोगों को मारता था, काटता था, सताता था, और ना जाने मैं किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा था। मैं अविश्वास के कारण अपने जीवन को नष्ट किए हुए था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे पकड़ लिया। उसकी प्रचुर आशीष मेरे जीवन में हो गई। प्रियजनों, प्रभु का वचन आज आपके जीवन में भी हो जाए, उसके वचन आपके जीवन में पूरे हो जाए। एक एक वचन जो आज वो आपसे बातें करेगा वो पूरा हो जाए आपके जीवन में। इस वक्त हम यही प्रार्थना करेंगे, इसलिए आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमको प्रभु के सिंहासन की ओर ले चले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्रोत संख्या 22, स्रोत संख्या 22, पद संख्या 24, पद संख्या 24, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, हे याकूब के वंशजों, हे याकूब के वंशजों, उसकी महिमा गाओ, उसकी महिमा गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम, मेरे अंतरतम, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 25, अध्याय 25, पद संख्या 1, पद संख्या 1, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठापूर्वक, क्योंकि तूने निष्ठापूर्वक अपनी प्रजा की, अपनी प्रजा की प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार, प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार रक्षा की, रक्षा की एवं चमत्कार पूर्ण, एवं चमत्कार पूर्ण कार्य किए हैं, कार्य किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रस्तुत है मेरा हृदय, प्रस्तुत है मेरा हृदय, प्रस्तुत है मेरा हृदय, प्रस्तुत है मेरा हृदय, मैं गाते बजाते हुए, मैं गाते बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरा भजन सुनाऊंगा, तेरा भजन सुनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे घर में, मेरे घर, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन अधिकार लीजिए, अधिकार, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आपने, जैसे आपने चेलों के ऊपर, चेलों के ऊपर फूंक कर कहा, फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, वैसे ही, वैसे ही हमें भी अपने, हमें भी अपने पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए, अभिषेक प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं, जिससे कि मैं आज के वचन को, आज के वचन को आत्मसात कर सकूं, आत्मसात ग्रहण कर सकूं, ग्रहण कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु के लहू की विनती करेंगे, स्तुति करेंगे, और अपने शरीर को प्रभु के पवित्र लहू से ढक लेना, कवर करना, क्योंकि प्रभु का लहू, प्यारे भाइयों और बहनों, वो उसने बहाकर हमारी कीमत अदा की है, और वो लहू हमें क्या करता है, सुरक्षित रखता है। मैं आपके घर के चारों ओर प्रभु के लहू का बाड़ा लगाता हूँ, सारी अंधकार की शक्तियों को, दुरात्मा शक्तियों को, अंधकार की हर एक बुरी दुष्ट आत्मा को आदेश देता हूँ, यीशु के पवित्र नाम से आपके घरों, परिवारों, शरीरों, आत्माओं, हृदयों से निकलकर क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। इस वक्त हम प्रभु के लहू की महिमा करेंगे, आपका जवाब होगा, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, बोले, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु, मेरी आँखों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु, मेरे मुंह को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु, मेरी जीभ को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु, मेरे कानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु, मेरी नाक को
तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु मेरे पैरों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु मेरे पूरे शरीर को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु मेरे दिल को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु मेरे मन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी पूरी इच्छा शक्ति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पूरे परिवार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे माता पिता को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पूर्वजों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे दुश्मनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शुभ चिंतकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धर्म प्रचारकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सारी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी राष्ट्रों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे देश को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी अधिकारियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पापियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी अविश्वासियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी रोगियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सब उन तमाम व्यक्तियों को जो गरीब हैं तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बेरोजगारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बेघर लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी अनाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पति पत्नियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी रिटायर हुए लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे कामकाज को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी खेती बाड़ी को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे दफ्तरों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी संतानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हर एक विश्वासी को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका जवाब होगा तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ, तेरा पवित्र लहू लेता और अपने सिर से लेकर अपने पांव तक विलेपन करता हूँ प्रभु का लहू प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में अपने सिर से लेकर पांव तक विलेपन कीजिए। जहां भी आपको कष्ट है, निराशा है, विश्वास के साथ प्रभु आपको स्पर्श करे और उसका लहू आपको शुद्ध करे, आपके पांव से सिर से लेकर पांव तक आपको ब्लेस करे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के संपूर्ण कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूँ पूरे जीवन के लिए अपने परिवार के लिए तेरे पवित्र लहू के द्वारा संपूर्ण संरक्षण की संपूर्ण सुरक्षा मांग करता हूँ। मांग करता हूँ हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आज
मैं आज हर बुराई से प्रलोभन शैतानी हमलों से अंधकार की शक्तियों से सभी कष्टों से डर और बीमारी से महामारी से संदेह से क्रोध से विपत्ति से आजाद होना चाहता हूँ और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है हे प्रभु यीशु मुझे उससे आजाद कीजिए आमेन हालेलुया हे प्रभु यीशु मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ परामर्श करना चाहता हूँ मुझसे बातें कीजिए हालेलुया आइए प्रभु यीशु मेरे दिल में मेरे परिवार में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए आमेन हालेलुया दोनों हाथों को खुला छोड़कर प्रभु की आत्मा के लिए तरसें। प्रभु कहता है तुम जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ, मुझसे मुफ्त में खरीद लो और खाओ। जो जल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा वो संजीवन जल होगा और जिससे तुम्हें जीवन मिलेगा। प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपसे परामर्श करना चाहता हूँ, मेरी बेटी की शादी नहीं होती मुझे प्रभु बताइए, मुझे नौकरी नहीं मिलती प्रभु मुझे बताइए, मुझे परामर्श दीजिए मैं क्या करूं। प्रभु ये कहता धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वह व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। इसलिए प्रभु की आत्मा की अगुवाई में जाएंगे ये वक्त, इस समय पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले, आपका घर उसके सानिध्य से और महिमा से भर जाए। झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू। पचासवें दिन जैसे छुआ चेलो को आग से अपनी भरा चेलो को, पचासवें दिन जैसे छुआ चेलो को आग से अपनी भरा चेलो को, पचासवें दिन जैसे छुआ चेलो को आग से अपनी भरा चेलो को, पचासवें दिन जैसे छुआ चेलो को आग से अपनी भरा चेलो को, उस आग का काम आज कर दे शुरू, उस आग का काम आज कर दे शुरू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पाकरू।
जैसे ऋण तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था, एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था, एलीशा को जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था, एलीशा को जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं, उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, चूले चूले मुझे पाक रूह, विश्वास के साथ चूले चूले मुझे पाक रूह, 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 चूले चूले मुझे पाक रूह। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने मुझे छू लिया है, आपने मुझे छू लिया, आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे चंगा किया है। बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। प्रभु यीशु, हे प्रभु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज का संदेश जो प्रभु आपको देना चाहता है वो ये है। प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों से कहना, इनको याद दिलाना कि परमेश्वर करुणामय और दयालु ईश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है, जो उसकी हजूरी में आते हैं उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाता है। ये वचन आज आपको प्रभु सुनाना चाहता है। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करना चाहता है, और आज की रात्रि मैंने कहा वो आपके साथ हैं। जो द्वार खोलेगा आज अपने घर का और हृदय का, दोनों द्वार खोलने की आवश्यकता है, दोनों द्वारों को खोलने की आवश्यकता है। प्रभु की दया और उसकी करुणा हमारी सोच के परे है कि परमेश्वर कैसे ये कर सकता है। प्रियजनों, वचन इस बात को प्रमाणित करता है। मैं कुछ वचन आपको बाइबल से बताऊंगा, जहां पर बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी है। वो कहता है, मैंने जो कह दिया है उसे मैं पूरा करूंगा, और तेरे साथ तब तक ऐसा करता रहूंगा, तेरे बाल पक जाने तक मैं ये सब बातें तेरे जीवन में पूरी करता रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, पहाड़ और पहाड़ियां डावा डोल हो जाए, परंतु हे इज़राइल, हे मेरी चुनी हुई प्रजा, तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ओ मेरे प्रिय बच्चों, जो रोज तुम मेरी चरणों में आते हो और मेरी दुहाई देते हो, इस विश्वास के साथ कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा। चाहे तूफान हो, आंधियां हो, कुछ भी हो जाए, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु ये कहता है, मेरे बच्चों को याद दिलाना, वचन के द्वारा याद दिलाना। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 12, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति संभव नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। बोलो आमेन 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 आमेन। इतिहास इसका गवाह है, धर्मशास्त्र इसके गवाह हैं, प्रभु के चुने हुए लोग, उसके प्रेरित इस बात के गवाह हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए कष्ट सहा, दुख सहा, वो मेरे और आपके लिए निर्धन बन गया ताकि उसकी निर्धनता से हम धनी बन जाएं। वो प्रभु हमें मुक्ति दिलाना चाहता है, वो प्रभु हमसे प्रेम करता था इसलिए वो सूली चढ़ गया,
तो वचन ये कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। जीसस इज द ओनली एंड ओनली सेवियर, देयर इज नो अदर नेम अदर देन जीसस, और दूसरे नाम में मुक्ति नहीं है, दूसरे नाम में शिफा नहीं है, यह बाइबल स्पष्ट करती है। इसलिए आपको प्रभु याद दिलाना चाहता है कि इस वचन को आप बार बार याद करें, अपने बच्चों को सुनाएं। बच्चों को कब से सुनाना है जानते हैं? फ्रॉम द वेरी डे ऑफ कंसेप्शन हस्बैंड एंड वाइफ शुड प्रोक्लेम द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बच्चा जब गर्भ में आने से पहले ही माता पिता को इस नाम को अंगीकार करने की आवश्यकता, और मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर विश्वास दिलाता हूं कि वो बच्चा प्रभु की सेवा करेगा, पहले दिन से ही सेवा करेगा, क्योंकि आपने उसे पहले दिन से ही प्रभु को समर्पित किया और यीशु मसीह मुक्तिदाता का नाम उसे बताया। एक मां जब अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है तो हर वो काम जो वो करती है, वो प्यारे भाइयों और बहनों, हर वो गतिविधि जो करती है, चाहे आध्यात्मिक हो या कोई भी हो, तो वो सब अपने गर्भस्थ शिशु को ट्रांसफर करती है। इसलिए यहूदियों की प्रथा में उन्हें ये बताया गया था कि तुम्हें अपना पहलौठा प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है। जानते हैं आप, जब माता मरियम को संदेश दिया गया गैब्रियल दूत के द्वारा, प्रणाम मरियम, तू नारियों में धन्य है और धन्य है तेरे पेट का फल। स्वर्गदूत ने उसे संदेश दिया, देख प्रभु की छत्र छाया पवित्र आत्मा की कृपा तेरे ऊपर होगी, तू गर्भ धारण करेगी, तू गर्भ धारण करेगी, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तू ईसा रखेगी, जिसका अर्थ है इमैनुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। और ये पहले दिन से ही प्यारे भाइयों और बहनों, पिता की योजना के अनुसार प्रभु यीशु ने माता मरियम के गर्भ में स्थान पाया, और माता मरियम ने अपने जीवन में अपने आप को कितना पवित्र रखा था। हम माता मरियम के जन्मोत्सव का पर्व मनाते हैं, 8 सितंबर को यह पर्व हम मनाते हैं और माता मरियम के जीवन की याद करते हैं। अन्ना और जोआकिम बूढ़े हो चले थे, उनके संतान नहीं थी और वो संतान के लिए तरसते थे, दिन रात प्रार्थना किया करते थे, तो उसे उनके बुढ़ापे में परमेश्वर ने दर्शन दिए और उन्होंने विश्वास किया और अन्ना की प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया और उसे वादा किया कि वो उसके जीवन में एक संतान को प्रदान करेगा। ये अपोक्रिफल गॉस्पल जो लिखे गए हैं उनमें इनका विवरण दिया गया है, संत याकूब के द्वारा इन सुसमाचारों में लिखा गया है उनकी जीवनी के विषय में, कि माता मरियम जब अन्ना के गर्भ में आ गई, चूंकि वे धार्मिक थे तो अन्ना और भी ज्यादा सादगी और शिद्दत के साथ परमेश्वर की भक्ति में जुट गई, और भी ज्यादा वे निरंतर प्रार्थना किया करते थे। यह बुजुर्ग दंपति परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते, और जोआकिम यह विश्वास करता था कि अगर परमेश्वर सारा और इब्राहिम को बुढ़ापे में संतान दे सकता है तो वो हमें क्यों नहीं दे सकता। 12 इज़राइल के 12 वंशों में से एक वंश का सबसे धनी व्यक्ति था जोआकिम, इन लेखों के अनुसार हमें पता लगता है, हालांकि बाइबल में इसका विवरण नहीं है, परंतु अन्य जो लेख अवेलेबल हैं, इतिहास में जो अन्य लेख अवेलेबल है उनके द्वारा हमें यह मालूम होता है कि जोआकिम
धर्मी व्यक्ति था, वो धनी व्यक्ति भी था, लेकिन प्रभु में विश्वास करता था। और इतना ही नहीं, जब माता मरियम पैदा हो गई, जिस दिन वो पैदा हो गई, जिस कक्ष में वो रहती थी, जिस कक्ष में माता मरियम रहती थी, उस कक्ष में अन्ना ने एक वेदी बनाई, उस कमरे में एक वेदी बनाई, और वो रोज जाकर उस वेदी पर प्रार्थना किया करती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो माता मरियम की पवित्रता को बनाए रखना चाहती थी, जैसा कि उसे आदेश मिला था। जब अन्ना मंदिर में प्रार्थना किया करती थी, तो याजकों के द्वारा अन्ना को यह कहकर सांत्वना दी जाती थी कि जो पुत्री या पुत्र तेरे उत्पन्न होगा, ये आने वाली पीढ़ियां इसका नाम याद करेंगी, युग युगों तक याद करेंगी, ये पवित्र होगी और इसके द्वारा जो उत्पन्न होगा वो भी पवित्र होगा। तो इसलिए लिखा है कि अन्ना ने अपनी बेटी मरियम के कमरे में एक वेदी बना दी और दिन रात उसके सामने खड़ी होकर प्रार्थना किया करती थी, और वही मरियम को भी वह सिखाया करती थी। इस तरह से मरियम का जीवन अखंड था, वो पवित्र था, उसने अपनी पवित्रता को बनाए रखा, और परमेश्वर ने सब कुछ देखा, क्योंकि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। बाइबल हमें बताती है कि वो बुरे और भले दोनों पर सूरज उगाता है, हमारे घर की चार दीवारी उसकी आंखों के सामने रहती है। अब स्वाभाविक है कि अन्ना और जोआकिम की विनतियों को उसने सुना, क्योंकि बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि परमेश्वर दरिद्र की प्रार्थनाओं को सुनता है। जब दरिद्र कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो उसकी वाणी, उसकी प्रार्थना बादलों को चीरते हुए परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। तो ये वचन गवाह है कि परमेश्वर ने जोआकिम और अन्ना की प्रार्थना को सुना, और उसे मरियम नामक पुत्री के वरदान स्वरूप उसने उसे ये संतान का वरदान दे दिया। और अन्ना ने अपनी धार्मिकता के कारण अपनी बेटी को भी पवित्रताई का जीवन सिखाया, धार्मिकता का जीवन सिखाया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं, कि माता मरियम अन्ना के गर्भ से ही निष्कलंक रखी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, ये जो संतान उसको दी गई है वो पवित्र है। इसलिए शी वॉज केप्ट इमैकुलेट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन। तो मैं उन्हीं बातों का जिक्र आपसे कर रहा हूं कि आप भी अपने बच्चों को यह सिखाएं। दंपति जब आप विवाह के संस्कार में प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं, तो उस पहले दिन से ही आप समर्पित हो जाएं और आपके बच्चे पवित्र होंगे। आपकी जड़ें यदि पवित्र होंगी, तो आपके फल, आपकी दाखबारी जो आपका घर है, उसके फल जो आपकी संतानें हैं, वो पवित्र होंगी, क्योंकि यीशु के सिवा कोई भी ये काम नहीं कर सकता। यीशु के सिवा कोई भी मुक्ति हमें नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। My dear people of God, my dear precious people of God, today you should believe. और आपको प्रभु को ये कहने की आवश्यकता है, प्रभु मैं आपका नाम, आपका मुक्तिदायी नाम अपने जीवन में मैं रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, अपने घर में मैं प्रथम स्थान देता हूँ। आप जो छोटे बच्चे हैं, आप जो युवक युवती हैं, आप कहीं पर जो काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अपने दफ्तरों में स्पेशली मैं युवतियों को प्रभु की ओर से ये कहना चाहता हूं, युवकों को ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को पवित्र रखें, अपनी सोच को पवित्र रखें, अपने शरीर को आप पवित्र रखें, क्योंकि मसीहों को ये शिक्षा दी गई है कि
कि जैसे पिता पवित्र है वैसे ही आप भी पवित्र बने, और आप पवित्र बनेंगे तो आपकी संतानें भी पवित्र होंगी, आपके काम भी पवित्र होंगे, आपका घर भी पवित्र होगा, जिस जगह पर आप बैठेंगे वो जगह भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे हैं जिस जगह में आप रहते हैं वैसी ही वो जगह भी हो जाती है। यदि आप धर्मी हैं तो आपका इलाका, आपका घर भी धर्मी बन जाएगा। यदि आप पवित्र हैं तो आपका घर भी पवित्र बना रहेगा। अगर आप पवित्र हैं और आपकी संगति में कुछ लोग आते हैं वे भी पवित्र हो जाएंगे। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास का, मुझे विश्वास और पवित्रता का, और पवित्रता का वरदान प्रदान कीजिए, वरदान प्रदान कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम कितना चाहते हैं कि हम पवित्र बने, हम कितना चाहते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हम कितना चाहते हैं कि उत्साह के साथ हम भी वचन बोले, हम कितना चाहते हैं उत्साह के साथ सेवा करें, हम कितना चाहते हैं। माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उसका नाम रोशन करे, हर माँ बाप ये चाहता है। कौन माँ बाप ऐसा है जो ये सोचता है कि उसके बच्चों को कोई बुरा भला कह के जाए, क्योंकि उसकी बदनामी होती, कोई भी नहीं है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो वचन इसके विषय में कहता है, माय डियर पीपल ऑफ गॉड, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 की, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे, और वो ईश्वर के पास लौट कर चले आए, ताकि वो उस पर दया करेगा, उस पर दया करेगा, क्योंकि ईश्वर दया सागर है, ईश्वर करुणा सागर है, ईश्वर तरस खाने वाला प्रभु है, ईश्वर प्रेम करने वाला प्रभु है, ईश्वर अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला प्रभु है। आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं, भले ही आप अपने माता पिता के लिए महत्व ना रखते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। बोलो आमेन, आमेन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस महान वरदान के लिए, आपके इस महान वरदान, आपके इस महान प्रेम के लिए, आपके इस महान प्रेम के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, जिसकी आप इबादत करते हैं, जिससे आप दिन रात गिड़गिड़ाते हुए हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करते हैं, जानते हैं वो परमेश्वर इब्राहिम इसहाक याकूब का ईश्वर करुणा सागर, दयालु, तरस खाने वाला, प्रेम करने वाला, चंगा करने वाला, आदि अंत तक बना रहने वाला, सदा एक रूप रहने वाला, जो पिता का यीशु मसीह जो पिता का प्रतिबिंब है, हम पर निरंतर दया करता है, और वो ये कहता है कि मैं जीवित हूं इसलिए तुम जीवित हो, और उसकी कृपा आप पर बनी रहती है इसलिए आप बने हुए हैं और आप जीवित रहते हैं। बोलो आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आपकी कृपा, आपकी कृपा मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन सदा बनी रहती है, सदा बनी रहती, इसलिए मैं जीवित हूं, इसलिए मैं जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, अपनी आशीष प्रदान कीजिए, अपनी आशीष प्रदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो सफल नहीं होते जीवन में, जो ईश्वर की दया को अनुभव करने में असमर्थ हैं, बाइबल हमें बताती है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 3, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3, कि आप अपने सब कामों में ईश्वर की स्तुति करें और अपने सब कामों को उसे अर्पित कर दो, तो तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी, तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। आप चाहते हैं कि आपका बेटा सेवकाई करे, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी धर्मबहन बने, आप चाहते हैं कि आपके घर से कोई व्यक्ति प्रभु की सेवा के लिए जाए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उन्नति करें, तो वचन ये कहता है, बाइबल हमें बता रही कि आप अपने सब कामों को ईश्वर को अर्पित कर दें। इसलिए मैंने आपसे कहा
कि जब दंपत्ति विवाह के प्रणय सूत्र में बनते हैं तो उस दिन से ही आप अपने वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को प्रभु को समर्पित कर दें और प्रभु आपकी योजनाओं को पूरा करेगा। बोलो आमेन। आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन अपनी योजनाओं को अपनी पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में आपकी योजना, आपकी योजना पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। आमेन। आमेन। प्रियजनों, प्रभु का ये प्रेम, उसकी ये दयालुता हमारी सोच के परे है। पर आप जान लीजिए कि परमेश्वर की दया और उसकी अनुकंपा और उसके कार्य अपूर्व हैं, मनुष्य की दृष्टि में अपूर्व है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बिजली कैसे चमकती है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बादलों से वर्षा कैसे होती है, हम सोच भी नहीं सकते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे निर्मित हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े सागर और समुद्र कैसे बन गए, हमारी सोच के परे हैं। विज्ञान भी प्यारे भाइयों और बहनों इसके विषय में अंदाजा नहीं लगा सकता है कि किस तरह से कंटिन्यूस झरने बहते रहते हैं, कल कल करते रहते हैं, वो सदियों से लेकर अब तक पर्वतों को बर्फ की चादर से ढकता है, बर्फ पिघलती है और हमें वो पानी का प्रबंध करता है। हवा चलती है पर हम सांस लेते हैं, ये हमारी सोच के परे है, उसकी दया हमारी सोच के परे है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु ये कहता है कि अगर तुम मुझ में रहते हो तो मैं तुम में रहता हूं और मैं तुम पर अपनी दया प्रदर्शित करता हूं और तुम बने रहते हो। यदि तुम जानबूझकर मेरी आज्ञाओं की अवहेलना करते हो, पाप करते हो, जानते हुए भी जो तुम्हें करना चाहिए नहीं करते हो, तो तुम्हें अवश्य पाप लगेगा और तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। ये बात स्पष्ट करना चाहता है प्रभु। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, और यदि मैं जानबूझ के नजरअंदाज करता हूं, इनको कामों को नहीं करता, तो बाइबल हमें बताती है कि हमें पाप लगेगा, हमें क्षमा नहीं मिलेगी। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 20 प्रभु का वचन कहता है, संसार में ऐसा कोई भी धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप ना करता। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भलाई ही करता है और कभी पाप ना करता हो। जाने अनजाने में अपने होंठों से, अपनी जुबान से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने कामों से, अपने रिश्तों से कभी ना कभी प्यारे भाइयों और बहनों वो प्रलोभन में गिर जाता है। ये उपदेशक ग्रंथ हमें बताता है, जिसके लिए मुझे और आपको अनुग्रह के सिंहासन के पास आने की आवश्यकता है। जिस तरह से नाकेदार परमेश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर गया, ईश्वर की ओर उसे आंखें उठाने तक का साहस नहीं था, गिड़गिड़ाकर छाती पीटता रहा और कहने लगा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, यही बात उसके मुंह से निकलती जाती थी। आप क्या सोचते हैं कि नाकेदार ने कभी दान नहीं दिया होगा? आप क्या सोचते हैं कभी पुण्य नहीं किया होगा? आप क्या सोचते हैं नाकेदार धनी लोग थे? आप क्या सोचते हैं कि कभी उसने लंगर नहीं लगाए होंगे? इसके विषय में बाइबल हमें नहीं बताती, लेकिन मैं समझता हूं कि उसने अपने जीवन में अनेक सेवा के काम किए होंगे। क्यों? क्योंकि इसी सोच के कारण वो प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर आया था। उसे एहसास था कि परमेश्वर है, उसे एहसास था कि मैं सेवा तो करता हूं, उपवास भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, दशमांश भी देता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कभी ना कभी बुराई भी है, बीमारी भी है, रोग भी है, तो इससे भी मुझे निजात पानी है, मुक्ति पानी है। इसलिए वो मंदिर की सीढ़ियों पर आता है, दरवाजे पर खड़ा होता, छाती पीटता जाता है, पीटता जाता है, क्योंकि उसे एहसास था कि परमेश्वर मंदिर में विराजमान है और वो उसे क्षमा करेगा।
लेकिन वहीं इसके विपरीत एक शास्त्री जो घमंड में चूर था, परमेश्वर को आके याद दिलाता है, परमेश्वर याद कर, मैंने कितने लोगों को दान दिया, कितने लोगों को भरपेट भोजन कराया, कितने लोगों की सेवा की, दशमांश दिया, और लंबी लंबी प्रार्थनाएं वो करने लगा, परमेश्वर को याद दिलाने लगा, उस परमेश्वर को जो हृदयों की थाह लेता है। ये फरीजी नादान था, इसने वचन को सही से पढ़ा नहीं था, संहिता का ज्ञान इसे पूरा नहीं था, क्योंकि उस परमेश्वर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन इसको प्रमाणित करता है कि वो तो हृदयों की थाह लेता है, वो तो हमारे घर की चार दीवारी को देखता है, वो तो सबों पे बुरे और भले दोनों पर सूरज उगाता है। वचन हमें बताता है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। अब जब ये फरीजी इस बात को कहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं समझता हूं इसने संहिता को अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर इसने संहिता को अच्छे से पढ़ा होता तो परमेश्वर को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं थी कि आपने क्या काम किया, क्योंकि उसकी आंखें तो आपको लगातार देखती हैं, मुझे लगातार देखती कि हम क्या करते हैं। इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता यदि वो ये कहता कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि मैं तेरी सेवा में समर्पित हूं, मेरी नादानियों को जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई उसे क्षमा कर दो, मेरे परिवार को क्षमा कर दो, मेरे जीवन पर आशीष बरसा दो, लेकिन आकर अपनी शेखी बघारने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं, इसलिए प्रभु कहता है सबके सब जो प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारते रहते हैं, ये सबके सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है, केवल वो जो मेरी योजना को जानता है और इसे पूरा करता है। और ईश्वर की इच्छा क्या है? पवित्रता ही और विश्वास उसकी इच्छा है। ईश्वर का वरदान क्या है? कि आपका कल्याण हो, उसकी योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो, ये वचन हमें बताता है। तो प्रियजनों, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो केवल भलाई ही करता हो और कभी पाप ना करता हो। हम बहुत कोशिश करते हैं, रोज आपका ये 2 घंटे यहां पर बैठना ये आपका पेनेंस है, पेनेंस समझते हैं, हमारा प्रायश्चित है। प्रभु की हुजूरी में 2 घंटे बैठकर वचन को सुनना भी प्यारे भाइयों और बहनों एक तरह की कृपा से, जब तक आप परिपूर्ण नहीं हो जाते तो ऐसा संभव नहीं होगा। उन लोगों को जिन्हें प्रभु ने छू लिया, कृपा प्रदान कर दी है, केवल वे लोग हुजूरी में बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को यह सामर्थ्य प्रदान करता है। तो हम चाहते हैं कि हम पवित्रता का जीवन जिएं, हम चाहते हैं कि हम धार्मिकता का जीवन जिएं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तत्पर है। आज कितने लोग सोच रहे होंगे आज हम आराधना में भाग लेंगे, लेकिन फिर शरीर ने कह दिया नहीं बेटा सो जाओ, कोई बात नहीं, थक गए हैं, कल चलेंगे, शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तत्पर है। और प्रभु का वचन कहता है मनुष्य ईश्वर को दे ही क्या सकता है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं दे सकता। शरीर तो नश्वर है, इसको तो सड़ना गलना है, मिट्टी से बनाया मिट्टी में मिलना है, 6 फुट गड्ढे में जाएगा या जला दिया जाएगा, जैसी आपकी प्रथा है उसके अनुसार इसके साथ किया जाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जो शरीर को तपाता है, जो अपने शरीर को तपाता है, आत्मत्याग करता है, जो मॉडिफाई करता है अपने फ्लैश को, क्योंकि हमारा फ्लैश हमारी वासनाओं की सबसे बड़ी जड़ है जो हमें प्रलोभन देता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, उसने नर और नारी को बनाया, उसने कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। इसलिए विवाह संस्कार बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र है, इसके अलावा कोई भी दूसरा रिश्ता अपवित्र है और बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती, गलत रिश्तों की इजाजत नहीं देती, व्यभिचार की इजाजत नहीं देती। इसलिए जो लोग फ्लैश में रहकर पाप करते हैं वे ईश्वर की आशीष और महिमा से वंचित रहते हैं, क्योंकि शैतान सबसे पहले हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे विचारों पर अटैक करता है और हमें नीचे गिराना चाहता है, हमें नीचे
गिराना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आता है। तो यदि प्रभु हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो आप में से और दुनिया में से हम में से कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता है। इसलिए भजनकार कहता है 130 अध्याय में, अगर तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो कौन तेरे सामने टिक सकता है? कोई भी नहीं। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती, रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहता अध्याय 3 पद संख्या 23 में, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन यशाय नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे हिम के समान सफेद और उज्जवल कर दिए जाएंगे। बोले आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है स्त्रोत संख्या 32 में पद संख्या 1 में, प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा हो गया है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध पाया गया है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के चरणों में आकर बैठता है, क्योंकि परमेश्वर उसे दोषी नहीं मानता। जिसका मन निष्कपट हो गया परमेश्वर उसे दोषी नहीं मानता। जब तक नातान नबी दाऊद के पास नहीं आ गया तब तक दाऊद ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। नातान नबी ने दाऊद को याद दिलाया कि तुमने क्या किया है, उसे पश्चाताप हुआ, वो रोने लगा, क्योंकि प्रारंभ से ही वचन हमें बताता है ईश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था, लेकिन वो अनजाने में वो पाप में गिर गया, प्रलोभन में गिर गया, वो व्यभिचार में गिर गया। नातान नबी आता है, उसे याद दिलाता है, और जब दाऊद नबी प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, तो नातान उसे धन्य कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा हो गया, धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर दोषी नहीं ठहराता, धन्य है वह मनुष्य जिसका मन निष्कपट है, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु ईश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, जो दिन रात हम पर दया करता और हमारे जीवन में आश्चर्यपूर्ण कार्य करता है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू दयालु है, तू दयालु है, करुणामय ईश्वर है, करुणामय ईश्वर, तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू सत्य प्रतिज्ञ, तू प्रेममय है, तू प्रेममय। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना, तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की सेवकाई के दौरान जब वो शिमोन के घर में बैठे हुए थे, वहां पर एक स्त्री आ गई, वो रोते रोते उसके पैरों को भिगोती रही, प्रायश्चित करती रही, उसका रोना और आंसू बहाना ही प्रायश्चित था, वो कुछ बोली नहीं। यीशु उसके हृदय के भावों को समझ गया, वो रोती रही, उसके चरणों को भिगोती रही। उसके बाद उसने अपने बालों से उनको, उसके पैरों को पोंछ डाला और उसके ऊपर महंगा इत्र लगाया। वहां पर बैठे लोग, शास्त्री और फरीजी, मन ही मन भुनभुनाने लगे, अगर ये व्यक्ति नबी होता तो ये जान जाता कि जो औरत इसे स्पर्श कर रही है, जो औरत इसे छू रही है, उसका जीवन कैसा है, वो क्या औरत है। लेकिन उन्होंने उन्हें एक दूसरा दृष्टांत सुना डाला। देखो, मैं तेरे घर में आया, लेकिन तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, लेकिन ये स्त्री जब से आई है अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगो रही है, क्योंकि ये जानती है कि मैं कौन हूं। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, ये जानती है कि मैं कौन हूं, इसलिए इसने ऐसा किया। ये जानती है कि इसे क्षमा मिल जाएगी, ये जानती है कि आज इसका दुख दूर हो जाएगा,
ये जानती है कि आज ये अपने पाप से मुक्त हो जाएगी। ये जानती है कि इसके प्रति ईश्वर प्रेम प्रदर्शित करेगा, इसलिए ऐसा कर रही। और तुम अनजान हो, तुम अज्ञान से भरपूर हो, इसलिए तुम ये नहीं जानते और इसलिए तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तुमने मेरे पैर तक धोने के लिए पानी नहीं दिया और इसने मेरे पैरों को आंसुओं से भिगोया, केशों से पोंछा और इत्र लगाया। और ये जब से यहां पर आई है ये मेरे पैरों को चूमती जा रही है, मेरे पैरों को चूमती जा रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, शास्त्री और फरीजी यीशु को पहचान ना सके, लेकिन पापी और नाकेदार यीशु को पहचानते थे। वैश्याएं प्रभु को पहचानती थी। रक्तस्राव स्त्री जो अनेकानेक इलाज करते करते थक चुकी थी, पैसा समाप्त कर चुकी थी, वो जानती थी कि ये मसीहा उस पर दया करेगा, ये उसके रोग को दूर कर सकता है। पाप में पकड़ी गई स्त्री को जब यीशु के पास लाया गया तो उसने उससे कहा, किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, जा आज के बाद पाप मत करना। पनघट पर बैठी स्त्री, समारी स्त्री जो पानी भरने के लिए आई थी, जब यीशु ने उसके विषय में, उसके अतीत के विषय में बताया, उसके वर्तमान के विषय में उससे बातें की, वो पहचान गई कि ये कौन है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, नादान शास्त्री और फरीजी इसको नहीं समझ पाए हैं। चमत्कारों को देखते हुए भी नहीं समझ पाए। उनके सामने रोगियों को चंगा किया गया, मुर्दों को जिलाया गया, कुबड़ी स्त्री को सीधा किया गया, 38 बरस के अर्धांग रोगी को चंगा किया, लेकिन फिर भी शास्त्रियों और फरीजियों की आंखें नहीं खुली। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते, उसकी दया का अनुभव नहीं करते, क्योंकि इन्हें ये वरदान नहीं मिला और ना ही इन्होंने इस वरदान को पाने की आशा की। इसलिए नाकेदार के जैसे आप भी कहना, भले ही आपने बहुत पुण्य के काम किए हैं, भले ही आपने बड़ी तीर्थ यात्राएं की हैं, भले आपने बड़ी सेवाएं की हैं, भले आपने बहुत दशमांश दिया होगा, लेकिन नाकेदार के जैसे कहना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु ये चाहता है, प्रभु हमारे बलिदानों से और यज्ञ से, चढ़ावों से प्रसन्न नहीं होता। याद रखना मेरी बात को, बाइबल हमें बताती है प्रभु ने स्वयं कहा, मुझे तुम्हारे यज्ञों से क्या, मुझे तुम्हारे चढ़ावों से क्या, तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे दे सकते हो, सब कुछ मेरा दिया हुआ तो है। तुम्हारे पास है क्या जो तुम ये कहते हो कि ये मेरा वो मेरा, इस पर मेरा अधिकार है। लेवी के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि आप जमीन बेच नहीं सकते क्योंकि जमीन पर प्रभु का अधिकार है। आप तो नादान है, हम खरीद फरोख्त करते हैं, लेन देन करते हैं, मिट्टी सबको खा गई, मिट्टी को कोई ना खा पाया, इंसान नादान है। जमीन सबको खा गई लेकिन जमीन को कोई ना खा पाया, क्योंकि वो आपकी नहीं है, वो परमेश्वर की है, उस पर परमेश्वर का अधिकार है। दोनों भाइयों में जमीन ने झगड़े लगवाए, तलवारें चल गईं, 2 इंच जमीन के लिए, 2 इंच 4 दीवारी के लिए मौत के घाट लोग उतर गए और मरने के बाद उसी मिट्टी में दफन हो गए जिसके लिए लड़ रहे थे। इस पर प्रभु का अधिकार है, इसलिए उस दयालु परम पिता ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहना, प्रभु सब कुछ तेरा है, बस आज मुझे सुकून की नींद दे दे, मेरी चिंताओं को समाप्त कर दे, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं आनंदित रहना चाहता हूं, मैं तुझ में रहूं और तू मुझ में रहे, तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम करे, मेरे परिवार में, मुझे और कुछ नहीं किए। 2 जून की रोटी जो आप खाते हैं वो सुकून के साथ खा लेना, दो चार घंटे जो आप सोते हैं वो शांति की नींद आप सो लेना, ये परमेश्वर का वरदान है। वो चाहता है कि आपका कल्याण हो जाए, वो चाहता है कि आपके बच्चों की उन्नति हो जाए, आपके परिवारों की उन्नति हो जाए। आइए प्रभु को धन्यवाद दें और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करें और हम नादान ना बने, वचन रूपी ज्ञान हम प्रभु के से ग्रहण करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें।
खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के पावन धामों से, यीशु के पावन धामों से, यीशु के शक्तिशाली नाम से, यीशु के शक्तिशाली नाम से बंधन खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए विश्वास के साथ बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए यीशु के शक्तिशाली वचन से, यीशु के शक्तिशाली वचनों से, यीशु के शक्तिशाली नाम से, यीशु के शक्तिशाली नाम से, यीशु की पावनकारी शक्ति से, यीशु की पावनकारी शक्ति से कोरोना के बंधन खुल जाए, कोरोना के बंधन खुल जाए, महामारी के बंधन खुल जाए, महामारी के बंधन खुल जाए, रोगों के बंधन खुल जाए, रोगों के बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से बीमारी के बंधन टूट जाए, यीशु के सामर्थी नाम से रोगों के बंधन खुल जाए, यीशु के सामर्थी नाम से नशे के बंधन टूट जाए, यीशु के सामर्थी नाम से तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, यीशु के सामर्थी नाम से श्रापों के बंधन टूट जाए, यीशु के सामर्थी नाम से बंधन खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए दुष्ट आत्मा का बंधन खुल जाए, यीशु के सामर्थी नाम से शैतानी शक्ति दूर हटे, यीशु के सामर्थी नाम से महामारी से हमको आजादी मिले, यीशु के सामर्थी नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से अपने सामर्थ से मुझे भर दे, यीशु के सामर्थी नाम से पवित्र लहू से मुझको शुद्ध कर दे, यीशु के सामर्थी नाम से बंधन खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए रसौलियों के बंधन टूट जाए, यीशु के सामर्थी नाम से महामारी के बंधन टूट जाए, यीशु के सामर्थी नाम से बीमारी के बंधन टूट जाए, यीशु के
सामर्थ्य नाम से, आर्थिक तंगी के बंधन धुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, पूर्वजों के पापों के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, रूप का मसा अब छा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, बंधन खुल जाए खुल जाए, बंधन खुल जाए खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए खुल जाए, बंधन खुल जाए खुल जाए, बंधन खुल जाए खुल जाए, खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए शरीर की बीमारी के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, संतानता के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, लकवे के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, टीबी के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, रक्त स्राव की बीमारी का बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, असाध्य रोगों के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, निराशा के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, बंधन खुल जाए खुल जाए, बंधन खुल जाए खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए खुल जाए, बंधन खुल जाए खुल जाए, बंधन खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए खुल जाए बंधन, खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रियजनों, सारा बंधन खुल जाए। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में हैं। प्रभु एक एक को हाथ रखकर स्पर्श करें। आप अपने जीवन में अनुभव करें, वो प्रभु आपको मसा करना चाहता है, छूना चाहता है। इसलिए उससे कहना कि सारा बंधन उसके पवित्र लहू से टूटे और वो हमें आशीष प्रदान करे और हमें चंगाई प्रदान करे। यीशु हम पर अधिकार ले और हमें अपने सानिध्य में रखे। अपने हाथों को अपने सीने पर लगाएं, अपने हाथों को अपने सीने पर लगाएं। विश्वास की आंखें खुली रखें, शारीरिक आंखों में आप बंद रखें। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे बीमारी के बंधन, तोड़ दे बीमारी के बंधन, तोड़ दे निराशा के बंधन, तोड़ दे निराशा के बंधन, तोड़ दे
रोग बीमारी के बंधन तोड़ दे, रोग बीमारी के बंधन तोड़ दे, तंत्र मंत्र के बंधन तोड़ दे, तंत्र मंत्र के बंधन तोड़ दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, yes Lord, right now, every bondage, every sin, यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर आत्मा हृदय से टूटे, right now be healed in the name of Jesus, be cleansed in the name of Jesus, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे बढ़ाए हुए हैं, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए हैं। कोई है जो रो रो कर प्रायश्चित कर रहा है, प्रभु आपको क्षमा करता है, क्योंकि वचन हमें बताता है यदि तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो हम में से कौन टिक सकता है। ये सुंदर समय है, ये चंगाई का समय है, प्रभु आप लोगों को एक एक को अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श करके मसा करे, आप लोग को स्पर्श करे, आपको छू ले, प्रभु से कहना प्रभु मुझे स्पर्श कर, मेरे हृदय को स्पर्श कर,
मेरी आत्मा को स्पर्श कर। हम नादान हैं, ना चाहते हुए भी हम तुझसे दूर चले जाते हैं। हे प्रभु यीशु, हम कभी कभी उड़ाऊ पुत्र के जैसे आचरण करते हैं, परंतु मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अपने पूर्वजों के लिए, पापों की प्रायश्चित के लिए, माता पिता के पापों के लिए, बुजुर्गों के, दादा दादी, नाना नानी, सब लोगों के लिए प्रभु आपसे मैं प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु दया कर, छू ले मुझे, छू ले मुझे। सबके लिए प्रार्थना करेंगे जो गवाहियां भेजी गई हैं, हम इन्हें पढ़कर सुनाएंगे। प्रभु आपको और इन तमाम लोगों को आशीष प्रदान करें। कैथरीन लिखती हैं कि मुझे एलर्जी की परेशानी थी, मैं लगातार प्रार्थना में भाग लेती और निरंतर चंगाई के लिए प्रार्थना करती थी। फादर जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी एलर्जी और इन्फेक्शन ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और प्रभु ने मुझे छुआ, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सेबास्टियन मैगलम लिखते हैं, मेरी मम्मी रोज़ मेरी नौकरी के लिए निवेदन भेजती थी और मेरे लिए प्रार्थना करती थी। प्रभु ने मेरी माँ की दुआ को सुना और स्वीकार किया और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं प्रभु का लाखों कोटि कोटि बार धन्यवाद करता हूँ। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बेनेडिक्ट लिखते हैं कि मैं काफी दिनों से बीमार था, मैं लगातार आराधना में अपने निवेदन भेजता है और आराधना के समय फादर ने मेरा नाम लेकर मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने चंगाई को स्वीकार किया, महसूस किया और अब मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बोले आमेन, आमेन। श्रेया, सभी कृपादानों के लिए जो ईश्वर ने प्रदान किए, कहती हैं मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। रोमी तिर्की और प्रिंस सिंह को फोन की लत से छुटकारा मिल जाए। लकवे से कुंती बिलानी, मान मसी और विनय कुमार विश्वास को चंगाई मिले। पथरी के रोग से सिमरन विजेता माइकल और ग्रेस मसी और सनी मसी को छुटकारा मिले। कैंसर से अभितोष बेक, फ्रांसिस का खेस, बेंजामिन, दिव्या माधुरी खेस एवं फ्लोरी डोमिनेट को
चंगाई मिले। साथ ही साथ प्रवीण के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कैंसर के रोग से पीड़ित है, प्रभु उन्हें स्पर्श कर उसकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने लगे, उसका दर्द सहन करने की शक्ति दे। यूट्रस की गांठ से सपना को, रचना और ट्रीजा को छुटकारा मिले। मन परिवर्तन से मनोज लकरा, राहुल गिल, विलियम मिंज, देवी शंकर, जयंती बेक को मन परिवर्तन का वरदान मिले। पढ़ाई में एरिन, केविन, शेरी, रुसेल, मोशेरी, विलियम, करण और सीमा बारला को प्रभु पढ़ाई में सफलता मिले। आँख से आँख में चंगाई मिले सुजीता कुमार एवं स्टेला लकरा को और अंजला लॉरेंस को। नशे से विनय प्रकाश एक्का, संजीव रॉबर्ट क्रिकेटा, विजय एक्का, सलिक तिरकी, डीएस तिरकी, विजय, बीरू एवं किशन को प्रभु नशे से छुटकारा मिले। परीक्षाओं में गिलबर्ट मिंज, यश तांतिया एवं मोहक प्रीति, अंशुल प्रिंसी, सीमा बारला, जैक्सन जेकब, अभिषेक और अभिलाषा हेनरी को प्रभु चंगाई मिले। संतान का वरदान मिले प्रदीप, सुजाता, बिरथला क्रिकेटा, आशा टोपो, मृदुल्ला, विनय, ट्रीजा, बेंजामिन, हैप्पी, कुलविंद्रो, शोभा और सुशील एवं जॉन और रिम्पी को प्रभु संतान का वरदान मिले। दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से अलशिका, अंजनी, त्रिशका, राहुल ग्रोवर साहब एवं विंसेंट, ग्लोरिया कुजूर, कमलजीत, समीर एक्का, सुदीप खालको को प्रभु चंगाई मिले। नौकरी की आशीष मिले सीमा को, रॉड्रिक को, लुबीना, सनी राज, एरिक, राहुल गिल, प्रीति, इमैनुअल, विनय, मार्टिन जोसेफ, सुनंदा, दीपक, अमिता, सरोज पन्ना, मार्गरेट एवं धीरज हेनरी को प्रभु नौकरी की आशीष मिले। कर्ज से छुटकारा मिले शशिकांत को, सूजी एम को, पप्पू को, संजय मैगलम को, जूलियस को। एलर्जी से अगस्टिन पिंटो, सोफिया कुल्लू को प्रभु छुटकारा मिले। आइए प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु से कहें, छू ले मुझे। पापों में डूबा मैं, पापों में डूबा मैं, ना रोशनी मेरे दिल में, ना रोशनी मेरे दिल में, रोगी हूँ मैं प्रभु चंगा कर दे अपने हाथों से, रोगी हूँ मैं प्रभु चंगा कर दे अपने हाथों से। हजूरी से छू मुझे जैसा भी हो अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह मामूरी से, मामूरी से। अच्छा स्वास्थ्य मिले ज्योति को, अनूप खालको को, कुमुद, मनी, आदित्य, राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज, सर्वेश, सिबिया, संजय, सैंड्रिया फर्नांडिस, सिस्टर ईमा, प्रीति टोपो, युवराज संधू, सिसिलिया सामर्थ, मारिया कुजूर और एडविन मसी को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। जन्मदिन मनाते हैं अर्शिल, स्वर्गीय रोशन डिकोस्टा, रोज एवं अल्वीना और जेसन डिकुना, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए,
जीवन साथी का वरदान मिले, मीरा देवी को, कोमल को, दिव्या, सनी, एंथनी, मार्टिन जोसेफ, सिस्टर हसुमती, इस्पोरमाजी, प्रियंका, जॉन सोनल और ममता मुक्ता को शुगर की बीमारी से छुटकारा मिले, रुचि मल्होत्रा को, लिली मनोरमा खेस को, सलोमी सोरेन को, विलियम को, फ्रांसिस को, राजू को, एलर्जी से अगस्टिन पिंटो, सोफिया कुल्लू को प्रभु छुटकारा मिल जाए। इन तमाम लोगों को प्रभु को समर्पित करते हैं। एलिजाबेथ जूली के घर घर को एलिजाबेथ जूली के घर में जो समस्याएं हैं प्रभु उन्हें दूर करे, उनका रुका हुआ पैसा प्रभु वापस मिल जाए। श्रेया भारद्वाज चल फिर नहीं सकती, उन्हें आशीष मिले बोलने की और चलने फिरने की। कुलदीप सिंह की दिमागी बीमारी ठीक हो जाए प्रभु। स्नेहा क्लेमेंता की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए प्रभु। दया कर इन तमाम लोगों पर। अभिषेक का कोट के समाप्त हो जाए। अरुण कुमार को कोरोना के रोग से छुटकारा मिले। अमरजीत को कान की समस्या से छुटकारा दे। रोशनी तथा गिरीश का वैवाहिक जीवन टूटने न पाए। अनिकेश कुजूर को बोलने की आशीष मिले एवं कृष्णावती का बेटा जो अभी एक दिन का है निमोनिया से ग्रसित है प्रभु चंगाई मिले। अनिल कुमार सोरेंग को डेंगू के रोग से छुटकारा दे। मुक्ता कुजूर को डर घबराहट से चंगाई मिले। सीमा रेशमा एक्का को थायराइड से छुटकारा मिले। बैंड फॉर जीसस टीम के एक एक सदस्य को, एक एक बच्चे को, योजनाओं को समर्पित करता हूं प्रभु। जितने भी लोग हमारे इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो आराधना में भाग लेते, वचन को सुनते, प्रभु इन्हें स्पर्श कर, मसा कर, हम पर दया कर, हमारे गुनाहों को, पापों को माफ कर। जॉन सोनल को गठिये से चंगाई मिले। विक्टर को टाइफाइड और डेंगू से चंगाई मिले। विहान को प्रभु बोलने की आशीष मिले, इसके जीभ के बंधन खुल जाएं। इनके माता पिता के पापों और श्रापों को प्रभु क्षमा कर दे इनके पापों को। अंशिका की पढ़ाई अच्छे से पूरी हो जाए। देवी को गठिये के रोग से छुटकारा मिले। ग्लोरी का घर जल्दी से जल्दी प्रभु जो भी योजनाएँ हैं वो उनकी पूरी हो जाएँ। स्वप्नेल डिकुना अल्फिया नाहौर और हुसैया को कोरोना के वायरस से प्रभु छुटकारा मिले। ग्रेगरी डायस को प्रभु सीने के दर्द से छुटकारा मिले। एलिजाबेथ डायस को शुगर कोलेस्ट्रोल पाइल्स की बीमारी से आज़ादी मिले। राजू कनौजिया गलत संगति में है, छोड़कर अपनी पत्नी ममता के पास वापस आ जाएं। अन्नु सानवी के पेट की परेशानी प्रभु दूर हो। आर्यन कनौजिया मनजीत कनौजिया को गांठ की परेशानी से छुटकारा मिले। ग्लैडिस की रीढ़ की हड्डी दब गई है, प्रभु उन्हें चंगाई मिले। निर्मला बेक अपने पति फिलिस्टियन कुल्लू के पास वापस आ जाए। असीमा को पेट की सूजन से छुटकारा मिले। स्टीफन खालको की किडनी दिमाग दिल शुगर तथा बीपी की बीमारी से छुटकारा मिले। एग्नेस कुल्लू ट्रीजा एलिजाबेथ को कमर के दर्द से छुटकारा मिले। डीबी रोज की जमीनी विवाद प्रभु समाप्त हो जाए। डीके रोज को सोराइसिस की बीमारी से छुटकारा मिले। पिंगल डुंगडुंग को रीढ़ की हड्डी की नसों में जो समस्या है दो प्रभु छुटकारा मिले। सोनू तथा संगीता को चंगाई मिले। आशा माइकल जूलियस का पैसा प्रभु वापस मिल जाए। सिस्टर रीता फार्गोस की छाती में जो सिस्ट है प्रभु तेरे पवित्र लहू से जल कर राखो। ऐसे तमाम गांठें ब्रेन ट्यूमर रसौलियां गर्भ के बंधन यीशु का पवित्र लहू का मसा इन पर उतरे और ये सारे के सारे चंगे हो जाएं। ये रसौलियां पथरियां जलकर राख हो जाएं। सिस्टर रीता फार्गोस की हर एक परेशानी को प्रभु दूर कर। आइए हम घुटनों पर आए प्रार्थना करें। प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे, रूह का दुगना मसा हम पर उतरे और हमें आशीष मिले। हे करुणामय दयालु पिता ईश्वर, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर, अपने वादों को पूरा करने वाले ईश्वर, याद कर जो तेरे पास आया तूने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। हम तुझ पर आस रखते हैं, तू हमारी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। ये मेरा विश्वास है कि हमने जो भी मांगा है आज तू हमारे जीवन में पूरा करेगा। तेरे इन बच्चों के जीवन में जो भी कमी घटी है उसे दूर कर दे, इन्हें आशीष प्रदान कर। इनके खेत खलियानों, इनके पति और पत्नियों के जीवन में आशीष प्रदान कर। माता पिता के ऊपर तेरा आशीष भरा हाथ रहे। इनके खेत खलियान, इनके दफ्तर, इनके घर की चार दीवारी, आटा गूंदने की परात पर तेरा आशीर्वाद उतरे। इनके पशुधन पर, गाय बैल भेड़ बकरियों पर,
इनके घर में इस्तेमाल की जाने वाली हर एक चीज पर तेरी रूह का दुगना मसा छाया रहे। शैतानी बंधनों से दुष्ट आत्माओं से ने आजाद कर और अपनी आशीष का दुगना मसा प्रदान कर। हे प्रभु तू दया कर राजा है, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। आज तेरे इन बच्चों पर दया कर दे, तेरे वादे इनके जीवन में आज की रात्रि इनके घरों में चौकटों बिछौनों पर तेरा पवित्र लहू छिड़क देता हूँ। इन्हें आशीष का प्रदान कर और इन्हें अपने फरिश्तों का संरक्षण प्रदान कर। हे मां मरियम हम तुझसे निवेदन करते हैं, इनके लिए मध्यस्थता कर, दूतों और संतों इनके लिए प्रार्थना करो। हमारा प्रभु हमें आशीष दे और बुराई से रक्षा करे, अनंत जीवन प्रदान करे। हमारी प्रार्थना कबूल कर उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ कर वधिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ
सत्य अमृत जल दिया नदियां दा इक सौदा बेंदाए ओते अमृत जल दिया नदियां दा इक सौदा बेंदाए ओ करब दिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदाए ओ करब दिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदाए ओते अमृत जल दिया नदियां दा इक सौदा बेंदाए ओते अमृत जल दिया नदियां दा इक सौदा बेंदाए ओ करब दिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदाए ओ करब दिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदाए ओ कर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है।